Welcome back students. So as we are studying about weather climate and adaptation, हम लोग weather climate और adaptation के बारे में पढ़ रहे हैं chapter 9. And बेटा in our last class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Effect of sun on climate, यही पढ़ा था हम लोगों ने. So आज हम बात करेंगे adaptation की. Adaptation means like जैसे adaptations of एनिमल्स. अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स क्या होगा? अडेप्टेशन का मतलब, अडेप्टेशन मीन्स होता है बेटा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर होना जिसकी वजह से हम क्लाइमेट्स में यानी किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग क्या करें, सर्वाइव कर सकें. ठीक है, सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट सम अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स. क्लियर? इट मीन्स एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, एनिमल्स कैन सर्वाइव इन ऑल क्लाइमेट्स. यानी मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं ये सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस में खुद को सर्वाइव करा लेते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर आर मेनी वेज टू अडेप्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. यानी कई सारे तरीके हैं, ठीक है, जिससे कि ये कोई भी जो टेम्परेचर होता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको ये अडेप्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं. ठीक है, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट अडेप्टेशंस टू कोल्ड क्लाइमेट्स. ठीक है, मेनली हम बात करते हैं जैसे पोलर रीजन्स की, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है. ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर बेटा लगभग -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. क्लियर? सो यहाँ पे कुछ एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के बारे में हम बात करें लाइक सील्स, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स और कुछ बर्ड्स भी होती हैं. ठीक है, जो ये कोल्ड रीजन्स की बात है. ठीक है, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है. सो बेटा आज हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे पोलर बियर्स के बारे में. हियर यू कैन सी पोलर बियर. पोलर बियर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो वाइट फर जो होते हैं ये इसके लिए एक कैमोफ्लेज होता है. कैमोफ्लेज होने का मतलब क्या होता है बेटा? कैमोफ्लेज होने का मीन्स होता है कि जैसे इनके वाइट फर्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, अगर इनका कोई शिकार करने के लिए आता है, इनको पकड़ने के लिए कोई आता है, तो ये उससे बचने के लिए बर्फ के अंदर खुद को जो वाइट कलर होता है इनके फर का उसका एडवांटेज उठाते हैं और उसके अंदर ये छिप जाते हैं. क्लियर? सेकेंड थिंग क्या है, बॉडी कवर्ड विथ डेंस फाइन फर दैट कीप्स देम वार्म. यानी कि इनके जो फर होते हैं डेंस होते हैं, फाइन होते हैं, और ये फर क्या करते हैं, दे ट्रैप्स हेयर. ठीक है, वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप करते हैं. ठीक है, एंड बाय दैट प्रोसेस दे विल हेल्प देम टू कीप देयर बॉडी वार्म. क्लियर? सेकेंड क्या है, टू थिक लेयर्स ऑफ फर. यानी कि इनके जो लेयर्स होती हैं फर की, ये दो लेयर्स होती हैं. क्लियर? और ये दोनों लेयर्स क्या करती हैं, इनकी बॉडी को कोल्ड के अगेंस्ट इंसुलेशन में हेल्प करती हैं. इंसुलेशन का मतलब होता है कि कोल्ड के अगेंस्ट फाइट करने में. क्लियर? थर्ड थिंग इज स्लो मूवमेंट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज. और एक चीज़ होती है कि ये पोलर बियर्स जो होते हैं ये कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही स्लोली मूव करते हैं. इसलिए मूव करते हैं बिकॉज जब फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम लोग ज़्यादा फास्ट होंगे तो हमारी बॉडी से हीट ज़्यादा लॉस होगी. ठीक है, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर पोलर बियर्स. गॉट इट? इनके जो बेटा वाइड लार्ज पॉज हेल्प्स टू स्विम. अब क्या है, ये वाइड लार्ज पॉज जो है वो क्या करते हैं, स्विम करने में इनकी हेल्प करते हैं. फॉर क्यों ये स्विम करने के लिए जाते हैं, पहली चीज़ तो ये स्विम करने के लिए तभी जाते हैं जब ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हुए ज़्यादा ओवर हीट हो जाते हैं, तो अपनी बॉडी को कूल करने के लिए ये वाटर में स्विमिंग के लिए जाते हैं पोलर बियर्स. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट पेंगुइन्स. पेंगुइन्स का भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, एंड वन थिंग इज कैमोफ्लाज दैट इज वाइट कलर. ये भी क्या करते हैं, खुद को
बचाने के लिए अपना जो वाइट कलर होता है उसका ये काफ़ी एडवांटेज लेती हैं। इनकी स्किन जो होती है थिक होती है, क्लियर, दैट हेल्प देम टू फाइट फ्रॉम कोल्ड, गॉट इट। एज यू कैन सी दैट आई हैव रिटन हियर, स्ट्रीमलाइन बॉडी, वेब्ड फीट, यानी इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, वेब्ड फीट होते हैं, दैट्स वाई दे आर गुड स्विमर्स। पेंगुइन्स गुड स्विमर्स होती हैं। और ये क्या करती हैं, दीज हडल टुगेदर, यानी एक झुंड में रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये खुद को वार्म भी रखती हैं, गर्म भी रखती हैं, क्लियर। नाउ अबाउट बर्ड्स, बर्ड्स में क्या है, बर्ड्स के पास बेटा फेदर्स होते हैं जो कि उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, बट दैट इज नॉट मच इन पोलर रीजन्स, ठीक है। वो क्या है, फेदर्स जो हैं बर्ड्स के वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे ठंडी पड़ती है लाइक -37 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, तो वहाँ पे इनके फेदर्स इनके लिए परफेक्ट नहीं होंगे फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम कोल्ड, उसके लिए परफेक्ट नहीं होंगे। दैट्स वाई ये क्या करती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है, टू वार्मर रीजन्स, क्लियर, यानी विंटर्स के टाइम में ये उस प्लेस से जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ रही है वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं टू वार्मर रीजन्स, और फिर जैसे ही विंटर्स ख़त्म होंगी ये वापस वहीं चली जाती हैं। एज यू कैन सी इन सम बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया ऑल्सो देर आर सम साइबेरियन बर्ड्स, कुछ साइबेरियन बर्ड्स आती हैं हमारे यहाँ, और वो क्या करती हैं, जैसे ही उनका भी एक ड्यूरेशन होता है और उस ड्यूरेशन के बाद वो वापस चली जाती हैं, क्लियर। वन थिंग रिमेन्स, दैट इज अबाउट सील्स। सील्स जो होते हैं बेटा इनके पास क्या होता है, थिक डिपोजिशन ऑफ फैट, यानी इनकी बॉडी जो होती है इनके अंदर क्या होता है, एक थिक बहुत ही मोटी लेयर फैट की होती है, एंड ऑल ऑफ अस नो दैट कि जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को वार्म रखने के यूज में आता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है, क्लियर, एंड वी कॉल इट ब्लबर। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे ब्लबर बोलते हैं, गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन कोल्डर रीजन्स, ठीक है। कुछ और तरीके हैं जिनकी वजह से एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को ठंडी से बचा लेते हैं, लाइक रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम जैसे दिन होता है तो वो जो सोलर रेडिएशन होता है वहाँ से हीट गेन करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और खुद को गर्म रखते हैं, बट एट नाइट दे नीड्स द परफेक्ट प्लेस टू हाइड, क्लियर, उनको छिपने के लिए एक परफेक्ट प्लेस चाहिए होता है कि वो अपने आप को छुपा सके, अपने आप को ठंड से बचा सके, लेकिन पोलर रीजन्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और यही रीज़न है कि पोलर रीजन्स में क्या होता है, रेप्टाइल्स आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेंगे, मे बी यू आर एबल टू फाइंड एनीवन, बट वहाँ पे नहीं मिलते हैं देखने को। नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, एनिमल्स जो होते हैं कोल्डर रीजन्स में या पोलर रीजन्स में, वहाँ पे एनिमल्स के क्या होते हैं, ईयर्स, टेल्स, लेग्स, ये शॉर्ट होते हैं, बिकॉज यहीं से जो होता है, यानी ईयर्स से, हमारे लेग से, टेल से, यहीं से क्या होती है, हीट ज़्यादा रिड्यूस होती है, हीट लॉस जो होता है पहले इन्हीं पार्ट से होता है, क्लियर। दैट्स वाई जो एनिमल्स पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन फाइंड दैट देयर ईयर्स, टेल्स एंड लेग्स आर स्मॉलर देन अदर एनिमल्स, गॉट इट। एंड लास्ट थिंग दैट इज जो फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, इसको कम करना, ठीक है, बिकॉज जब भी हम जैसे फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा कि जो हीट है वो हीट लॉस होती है, यानी हीट हमारी बॉडी से निकलती है, क्लियर। सो वन मेजर थिंग इज ऑल्सो दैट कि हमें क्या करना चाहिए,
हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है लाइक मूव करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, इसको हमें रिड्यूस कर देना चाहिए। मीन्स एक तरह से देखा जाए तो हाइबरनेट करना होता है कि हम खुद को, सॉरी एनिमल्स खुद को क्या करते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं। गॉट इट? सो दीज आर द थिंग्स अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू कोल्ड क्लाइमेट्स। क्लियर बेटा? सो ऑल ऑफ यू विल कम्प्लीट योर नोट्स अप टू दिस टॉपिक and we will meet in our next class. So thank you and have a nice day.